हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह जैसी आँख खुली तो हो रखी थी बढ़िया वाली बारिश, और अभी बारिश तो रुक गई है लेकिन कोहरा लगा है काफ़ी शानदार, ठीक है। और पीछे मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था हमने जो नई गौशाला बना रखी है उसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको अपनी गौशाला ले चलता हूँ और देखते हैं उसमें उसका क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि गौशाला बनने के बाद कई बार टपकना शुरू कर देता है। तो देखते हैं टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है। अगर टपक रहा है तो हमारी मेहनत गई बेकार, और नहीं टपक रहा है तो हो गया सक्सेस। और पहले एक नज़र दिखा देता हूँ आपको आज का व्यू। तो ये नज़ारा है आज हमारे घरों का। और सुबह सुबह जैसे ही घर से बाहर निकले तो हो रखी थी ज़ोरदार बारिश, भाई वाह मज़ा आ गया। और अब उम्मीद करते हैं बरसात में हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यार जल्दी से गौशाला में जाना है और जानवरों को भी बाहर निकालना है और जो है देखना है। और हमारी गौशाला में आ गए हैं कुछ नए नए मेंबर, तो उनसे भी आपको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो हमारे जानवर हैं ये निकल चुके हैं बाहर, और ये है सुल्तान की मम्मी जो बहुत तीखी स्वभाव की है, मारने को नहीं आती लेकिन थोड़ा अग्रेशन दिखाती है, ठीक है। और ये देखो भाई वाह बहुत मज़ेदार एकदम। तो ये है हमारी नई गौशाला जो आपने पिछली ही वीडियो में देखी है, ठीक है। ये हमारी गाय, ये हमारी सहेली ना, ये था नहीं निकल बैर। तो बारिश हो रही है तो राणा को जो है बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि बारिश में भीगने से छोटे बच्चों पे जो ये पड़ जाते हैं। और इधर है हमारे सुल्तान, ठीक है। तो अभी तक जो बारिश हुई है कहीं से जो है टपकने का तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब जो हमारी गौशाला है वो अच्छे से कवर हो रखी है, तो ये अच्छी बात है। ये देखो, और ये है हमारे प्यारे प्यारे जानवर, ये हमारी सहेली। और ये देखो जैसे ही गौशाला में आओ हमारे जानवर हमारा जो है स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो ये है हमारी नई गौशाला जो कि ठीक ठाक है, उतनी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों अगर पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हो या पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। और बस मैं आपके लिए ऐसी पहाड़ी वीडियोज़ लाता रहूँगा, क्योंकि पिछले एक साल से अर्निंग सोर्स जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नाकाम हूँ, बेरोज़गार हूँ, तो कुछ नहीं काम, तो चलो वीडियो बना लेते हैं और कोशिश करता हूँ बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने की। खैर वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करें, कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियो बनाने की, ठीक है। तो ये है आज का खूबसूरत मौसम, मतलब आज सुबह सुबह ऐसा मौसम देख के दिल खुश हो जाता है, और जब सुबह सुबह दिल खुश हो जाए तो समझो आज का दिन मस्त जाने वाला है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि एक साल से अर्निंग सोर्स जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं जुटा पा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो यार मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे जो करना है अपने पहाड़ में करना है, मुझे दिल्ली बम्बई देहरादून कहीं शहरों में नहीं जाना है, और बस अपने जानवरों के साथ अपने घर में और ऐसा ही कुछ करते हुए मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स जुटाना है, लेकिन जुटाना यही है अपने पहाड़ में ही। और दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा होगा सुल्तान और राणा की कैसी फाइट हो रही है, तो आपको पता चल रहा होगा ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ठीक है। और लड़ाई करने में तो ये बड़े बड़े जानवरों से भिड़ जाता है, तो अभी बच्चा है शायद बाद में इसको समझ आएगा, लेकिन होता है कई बच्चे बछड़े जो है बचपन से ही ऐसे अग्रेसिव हो जाते हैं,
ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर देखिए हमारे राणा जी कितने हर्रामी टाइप के बंदे हैं, है ना राणा। और सुल्तान जैसे बड़े बछड़े से लड़ने से भी पीछे नहीं हटता। तो चलिए दोस्तों, जानवरों को तो निकाल दिया है बाहर, और अब यहाँ से जो नए लोग आ रखे हैं उनको भी बाहर निकालते हैं, और जो मेरे मुर्गे मुर्गियाँ हैं उनको भी मैंने यहीं कर रखा है बंद। आजा आजा जा 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 जा। तो ये देखो, ये सारी रेजगारी मैंने यहाँ डाल रखी है। आजा आजा जा, ले ले ले। तो ये है हमारी चीना 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 चीना, और ये है मैना, और ये हैं हमारे 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 प्यारे प्यारे कुकड़कू कुकड़कू कुकड़कू। आ जा आ जा आ जा। तो दोस्तों बारिश तो लगी है, अब घर जाके करेंगे थोड़ा नाश्ता पानी, और फिर उसके बाद देखते हैं आज बारिश के मौसम में क्या करते हैं। और वैसे लग नहीं रहा आज कुछ हो पाएगा, ठीक है, तो मस्ती करेंगे, बारिश में भीगेंगे, गरम गरम चाय पियेंगे। और फिलहाल फिर से होने लगी है बूंदाबांदी, और ये देखिए अगर ये खूबसूरत मौसम दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद ये टाइम है सुल्तान शैली और अपने मेमने और चीना को चराने का, ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ उनको चराने के लिए। और जो बारिश थी वो हो गई है बंद, लेकिन जो कोहरा है, जो मौसम बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और बस अब लग गया है सावन, तो बारिश तो होती रहेगी अब टाइम टू टाइम। और ये देखिए हमारे खेत हरे भरे, ये है मक्का यानी मुंगरी के पौधे, तो जल्दी इन पे मुंगरी भी आनी शुरू हो जाएगी, फिर लाएंगे आपके लिए और अच्छे ब्लॉग, ठीक है। तो लेके जा रहा हूँ सुल्तान को यार, और ये देखो कितना कमज़ोर हो गया है। हाँ लिया, और उधर कानू खोलेगा, बब्बा खोलेगा भेड़ और यानी चीना और मेमना को लिया। और मौसम ने तो आज यार दिल खुश कर दिया, बहुत ही मज़ा आ गया, नहीं तो कितनी गर्मी बढ़ रही थी हफ्ते 10 दिन से बता नहीं सकते, ठीक है। इस ठंडे ठंडे मौसम में चराएंगे अपने सुल्तान और चीना मैना को। हाँ सैली को लेके नहीं जाएंगे, बार बार भाग जा रही है, कल भी लेके गया था, आधे रास्ते से भाग गई थी। तो इस रास्ते में चल रहे हैं हमारे चीना और मेमना, हमारा सुल्तान, और मैं आया तो अकेले था, लेकिन पीछे पीछे ये दोनों भी आ जाते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ, ठीक है। हाय करो, हाय हाय। हाँ तो जो हमारे चीना और मेमना है वो चले गए हैं थोड़ा उधर को, बुलाने पे नहीं आ रहे हैं। ले 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 ले। तो एक ये तरीका होता है दो पत्तियों को जोड़ के, ठीक है, और इसके बीच में फूंक मारते तो ऐसी आवाज़ निकलती है। ले 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 ले, ले। ये देखो ये आ गई। तो ऐसे ऐसे पहाड़ी नुस्खे होते हैं यार, हर चीज़ के नुस्खे होते हैं। तो दोस्तों घर से लग रही है आवाज़ कि जल्दी आओ, यहाँ बंदर आ रखे हैं। तो सुल्तान आ रहा है पीछे से और हम चले गए हैं बंदरों को भगाने के लिए। तो यार अभी सुल्तान को बांध रखा था, तो तब तक आ गया पापा का फ़ोन कि नीचे रोड में आओ, वहाँ पे आ रही है राशन।
तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको बताया था कि रोड हमारे घर से कितनी दूर है। तो चलिए आज इधर वाला रास्ता दिखाता हूँ कि रोड कितने नीचे है। ठीक है, तो वो नीचे उतनी दूर रोड है, ठीक है, और वहाँ से आप आइडिया लगाओ यहाँ चढ़ते चढ़ते और वो ऊपर है। यहाँ से और अच्छे से दिखाता हूँ, वो बिल्कुल ऊपर है और वहाँ से इधर को हम लोग आते हैं। तो ये डिस्टेंस आप देखिए कितना नीचे है रोड हमारे घर से, और वहाँ पे आ रही है राशन, तो राशन लेने जा रहे हैं। तो ये है रोड, आधा सामान वो जा रहा है, मैं लेके जाऊँगा इस बोरी को। और थोड़ा इसको देख लीजिए, ये वो अनमोल रोड है जिसके लिए हमें इतनी दूर आना पड़ता है। तो चलिए जी अब चलते हैं हम भी। और अब शुरू कर देनी है चढ़ाई, वो भी बढ़िया वाली। तो ये सामने है हमारा कोली गांव, आज यहाँ पे भी एक फंक्शन है, ठीक है। और ये जो है हमें चढ़ाई चढ़नी है अभी, और बहुत ऊपर एक घर दिख रहा है, उसके इस साइड में हमारे घर हैं, तो कितनी चढ़ाई है। तो दोस्तों वो नीचे से हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठते हैं हम लोग, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और यहाँ से फिर इधर से हमें चढ़ाई शुरू करनी है जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल ऊपर को। काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद रख दी है चावल की बोरी यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो 700 रुपये की ये चावल की बोरी है, और 300 रुपये लग गए टैक्सी बुकिंग पे कोटला से कोली तक, और उसके बाद भी इतनी चढ़ाई पे चढ़ाना है ना मज़ेदार। तो पहाड़ी लाइफ जितनी अच्छी दिखती है उतनी आसान होती नहीं है, काफ़ी टफ होती है, काफ़ी हार्ड होती है, और ये सब करना पड़ता है। यहाँ पे नहलाया जा रहा है ओमपी को। ओमपी क्या करने जाए, आई एड पानी लाई अड़ी पानी लाई अड़ी नखरा भारत लमड़ी रंपो ले ले तगत 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 तगत। और अब थोड़ा यहाँ से देखते हैं पेंट करने के बाद कैसा दिखता है हमारा घर, क्योंकि जो पेंट किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि हरे भरे मौसम में इस कलर का मकान कैसे शोभा देता है और कैसे नहीं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, तो प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और इस चैनल पे आपके लिए ऐसी ढेर सारी पहाड़ी वीडियोज आती रहेंगी, तो चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखें।